एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सना विंसेंट। मेरी आज की वीडियो में बहुत बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आज हमारे घर बन रहा है देसी सरसों का साग। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो सर्दियों के सीज़न के स्टार्टिंग में ही साग आ जाता है। और ये जो सही वाला साग आपको अवेलेबल होता है, वो होता है नवंबर दिसंबर में। फिर उससे आगे जनवरी में जो सा होता है, वो साग चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी इधर खड़ी हो के वीडियो बना रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि इधर मेरे पास ही साग सारा कुछ पड़ा है। तो लेकिन ना बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उसका भी शोर है, तो उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा साग। फिर हम बताएंगे इसको कैसे कैसे पकाते हैं और कैसे कैसे सारा इसका प्रोसेस होता है। आपने बिल्कुल मेरे साथ साथ रहना है, ठीक है। गाइस, आपको पता है साग जो सा होता है, वो बहुत मेहनत से तैयार होता है। इसको पहले, सबसे पहले ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, फिर इसको घर ला के इसको अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। इसके अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद फिर इसकी अच्छे तरीके से कटिंग करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मामा इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, साग की कटिंग हो रही है। और ये देखिए कितना प्यारा, कितना फ्रेश, और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए मामा इसको कटिंग कर रही है। अभी ये इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में है, ये देखें। अभी ये भी है, ये सारा भी हमारे पास देखें। ये सारा ना, मतलब कि जो साफ किया था ना, ये सारा निकाल दिया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसके बाद ये देखिए बहुत ही मज़े की हरी मिर्चें आ गई हैं। ये सारी हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। और ये इसके बाद ये धनिया आ गया, ये देखिए धनिया। और फिर ये इसके बाद ये भी हमारे पास साग है, जो हमने साफ करके रखा है। और वो वाला जो है, इसको हमने मतलब निकाल दिया है। और गाइस, मैं आपको बताती चली जाऊँ कि साग का जो सा स्पेशल इन्ग्रीडियंट है, जो उसमें बहुत ही लाजमी डालते हैं, वो है पालक। पालक जो होती है, वो स्पेशल साग में ऐड करते हैं। और वो भी उन्होंने कटिंग करके रखी है, मम्मा ने और मेरी चाची ने। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। आपने बिल्कुल मेरे साथ साथ रहना है। आज हम बहुत मज़े का साग तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने साग की कटिंग करके उसको अच्छे तरीके से धो के अब पकने के लिए रख दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी जो सा हमने खराब था, जो सा निकल गया था सफाई सफाई होके, वो हमने सारा इधर कर दिया। और इधर से भी देखो, मैंने सारा हमने नीट कर दिया है। ये देखें, ये चारपाइयों पे दोनों पे साग था, आपने जैसे कि देखा होगा। देखो, अब मैं इसके साथ साथ आपको दिखाती चली जाऊँ कि हमने साग पकाते वक्त सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, ठीक है। और ये देखो, किचन भी हमारा बिल्कुल साफ सुथरा है, देखो। और ये हमारा साग पक रहा है, और एक साइड पे दाल पक रही है, क्योंकि साग को पकते वक्त ज्यादा देर लगती है, इसीलिए हमने उसके साथ सब्जी में मांस की दाल। और गाइस देखो, ये मेरा भाई है जो सा अभी शोर कर रहा था, जो कि नहीं चाहता था कि मेरी वीडियो अच्छी बनी थी। लेकिन आपको तो पता ही है, मेरी सारी वीडियोज में ऐसे ही होता है, आप तो आती हो ना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्राइंडर में ना मैंने मिर्ची ना ग्राइंड करके अच्छे तरीके से उसको कटिंग करके ग्राइंड करके रख दिया। और जब ये हम साग को इसको कोटेंगे ना, जब हमने इसको कोटना शुरू करना है, तो इसको हमने तब उसके बीच में ऐड कर देना है। और ये देखिए, धनिया भी हमने अभी काटा नहीं है, क्योंकि तब तक ये सूख जाएगा, रूखा सा हो जाएगा। इसको भी हमने एंड पे डालना है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ अप टू डेट देती रहूँगी साग हमारे की। और अभी मैं आपको छत पर जाके, तो अभी मैं आपको ऊपर जाके एक छोटा सा गार्डन दिखाऊंगी, प्याला सा, जिसमें बहुत मजे मजे की सब्जियां लगी हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल मेरे साथ साथ रहना है, आज हम बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। ये देखो कितनी सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, क्या क्या पता मैं सीढ़ियां चढ़ती चढ़ती पतली हो जाऊं।
चलिए गाइस, अब मैं आपको अपने पौधे दिखाती हूँ, पौधों का विजिट करवाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये कितना प्यारा इलायची का पौधा है। ये जैसे छोटी इलायची होती है ना, ये वो वाला, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू होती है ना, बहुत प्यारी। और ये देखें, और ये एक साथ ही इसके फ्लावर्स वाला पौधा है। ये हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही फ्रेश प्लांट्स हैं, देखें कितना मज़े के हैं ना। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, लहसुन भी लगाया है, उसके अलावा धनिया भी लगाया है। ये देखें, ये ना इसमें लहसुन की पनीरियाँ लगाई हैं, और इनमें जो उनसे है ना, अभी इनमें धनिया लगाया है, और भी छोटी छोटी सी ना पनीरियाँ लगाई। और ये हरी मिर्च का पौधा है, ये मेरा हरी मिर्च है। और ये भी देखें, ये हमारा प्याज उग रहा है। और ये भी मतलब के ये क्या चीज़ है, ये भी धनिया ही है आई थिंक। और ये देखें, ये सारी पनीरियाँ। और ये देखें, ये न्याजबोस का पौधा है, और ये ना अभी सूख गया है, तो इसके ना हम बीज लगा देंगे ना, तो ये दोबारा से उग जाएगा। और इसकी भी खुशबू बहुत प्यारी होती है। ये देखें, इसका फ्रेश कलर कितना प्यारा है। ये देखें, फिर ये बेल है, प्यारी सी बूटी जोन सी होती है ये, वो है। और ये एलोवेरा जेल है। और ये हमारा प्यारा सा क्रिसमस ट्री भी है, अभी क्रिसमस का सीजन भी आने वाला है, तो हम बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। ये भी एलोवेरा है, ये देखें। अब तो आपको पता है, मौसम बहुत मज़े का हो गया। अब तो गर्मी में भी मतलब कि गर्मी नहीं लगती, क्योंकि सर्दी आ गई। अब तो गर्मी में मतलब कि गर्मी नहीं लगती, तो क्योंकि सर्दी आ गई, ठीक है। मैं पता नहीं एकदम से क्या बोलना शुरू हो जाती हूँ, रैंडमली वर्ड्स मेरे मुंह में आ ही जाते हैं, तो वो फिर मैं बोल ही जाती, फिर नहीं मुझे पता लगता, ठीक है। आपने बिल्कुल मेरे किसी भी बात का माइंड नहीं करना, अगर आप करें भी तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपको बताती चली जाऊं कि अभी हमारे साग को मतलब के चूल्हे पे पड़े 3 घंटे हो जाने लगे, और कम से कम अभी साग को हमारे 2 घंटे और चाहिए। जब हमने स्टार्टिंग में रखा था, तब उसका मतलब के कलर प्योर ग्रीन था, लेकिन जब तक उसका कलर येलो में डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक हमने उसको पकने देना है। तो मैं आपको उसके साथ साथ साग दिखा भी दूंगी। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मदानी है जिससे हमने साग फोड़ना है, ठीक है। अब मैं ना इसको फोड़ने जा रही हूँ, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, काफी हद तक हम निकाल लिया था। इसको बनाते बनाते हमें रात हो गई है, गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक बहुत ही मज़े का साग एकदम तैयार है। आप इसका देखें कि ये कैसे मलाई जैसा हो गया, और इतना मज़े का ये, इतना टेस्टी बना है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी मैंने इसको प्लेट में डाल लिया, और अभी मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है। ये इतना मज़े का है कि इसके साथ तो मैं 2, 3, 5 रोटियां भी बल्कि 10 रोटियां भी इसके साथ मैं खा सकती हूँ। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। मैंने इसको लास्ट फिनिशिंग आपको दिखानी थी कि ये पक के ऐसा, और आप बाहर देख सकते हैं कि बाहर एकदम रात हो गई है, बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है। जब हमने इसको स्टार्ट किया था, हमने कोई 1 बजे किया था, और अभी ये देखे 6:30 हो रहे हैं। तो अभी ये तैयार हुआ है, ये हमारा बहुत ही मज़े का साग। देखिए दोस्तों, अब मैं अपना साग लेके बैठी हूँ, और अब मैं इसको मज़े से खाऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है, ठीक है। यार ये इतना मज़े का है, इतना मज़े का इसका टेस्ट, इतना मज़े का है। इस साग के साथ आपके पास होनी चाहिए देसी घी वाली रोटी।